न सूक्ष्म न स्थूला संत सत गुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला वेद आतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक वेद आनंता बाद जीवन बव हरनंता छे दिसी माया कर निरमोया आलोकिक अमोला संत सत गुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश कर दलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव बावरहिता वरणत शास्त्र पुराण अतुला संत सत गुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला दीन नाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेमानित्य निरंतर गावे कामादिक बव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूपा नित्य निरामय निर्मला राधासु। सब संतों ने भक्ति की महिमा गाई है, वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भक्ति ही संत मत सिद्धांत है। भक्ति का मतलब ड्रेस नहीं, भेष नहीं, घर मकान छोड़ने की जरूरत नहीं, बाल बच्चा त्यागने की जरूरत नहीं, दुनिया में अपने कुटुंब परिवार में रहते हुए अपनी ड्यूटी बजाते हुए हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति का मतलब अपने इष्ट देव भगवंत का रूप हो जाना। जो संतों ने हमें नाम दिया है उस नाम का रूप हो जाना।
कहते जैसे माया मन रमे तैसे रमे जो राम। जैसे हमारा मन रात दिन दुनिया के रंग में रंगा है, माया के रंग में रंगा है, वैसे ही नाम के रंग में रंग जाए। आप बाल बच्चे में रहो, दुनिया का कारोबार करो, लेकिन आपका मन उस नाम के रंग से रंगा हो, तो वो सच्ची भक्ति है। भक्ति की संतों ने बड़ी महिमा गाई है, हमने पहले भी कहा है। देखो, कहते हैं राजा अम्बरीश एक भक्त थे, हरि नारायण भक्त थे। उन्होंने एक बरस का उपवास व्रत रखा। उपवास व्रत तोड़ने के दिन क्या करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ करवा करके लोगों को भोजन खिलाते हैं और सब लोग भोजन खाने के बाद में फिर जो उपवास व्रत करता है लास्ट में वो खाना खाता है। तो अम्बरीश राजा थे, उन्होंने ऋषियों को बुला के यज्ञ करवाया। काफी लोग आने लगे, ब्रह्म भोज रखा था, सबको खाना खिलाया और करीब 5:30-6 बजे के समय दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों के साथ आ गए। जबकि ये नियम होता है कि सूरज अस्त होने के पहले ही जो व्रत होने वाला खाना खा लेना चाहिए, व्रत रखने वाला। तो ये आ गए दुर्वासा ऋषि 1000 शिष्य लेकर के। तो राजा ने प्रार्थना किया कि महाराज सबका भोजन हो गया है, आप भी पालो, क्योंकि राजा सबको खिला के ही खाना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, ये तो आए थे कुछ अलग ध्येय लेके। अब जब दुर्वासा और आधे घंटे लेट आए सूर्य अस्त होने के बाद 1000 शिष्यों को लेके, और आ करके उनको किसी ने कह दिया कि राजा ने भोजन पा लिया है, बड़े गुस्सा हुए कि अतीत सत्कार किए बगैर कैसे राजा ने खाना खा लिया, अभी हम सब 1000 लोग बाकी हैं। और बड़े गुस्से में आए और गुस्से में उन्होंने क्या किया, अपना एक बाल तोड़ के जमीन पे पटक दिया, एक राक्षस तैयार हो गई और हुक्म दिया जाओ राजा के ऊपर, राजा को खत्म कर दे। उस राक्षस को हुक्म दिया। अब वो राक्षस बड़े वेग से राजा की तरफ बढ़ा। अब राजा हरिभक्त थे तो वो हाथ जोड़े, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं, वो हाथ जोड़े हुए ऐसे ही नारायण का जाप करते खड़े थे। इतने में तुरंत चक्र आ गया, सुदर्शन चक्र आ गया और राक्षस का सिर उड़ गया, काट दिया। और फिर वो दुर्वासा के पीछे पड़ा। अब दुर्वासा भागे, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे चक्र। अब भागते 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 देवलोक में गए और जो है कि ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा कहते भाई जिसने भेजा उसके पास जाओ, ये मेरे से होने वाला नहीं। शिव के पास गए, शिव ने भी वही बात किया, कहा कि जिसने उसे भेजा उसी के पास जाओ, वो मेरा बात नहीं मानेगा। फिर वहां से विष्णु के पास गए, नहीं जाना चाहते थे, गए तो विष्णु ने भी वही बात कही कि भाई मैंने इसे नहीं भेजा है, किसी का प्रेम और किसी की भक्ति इसको लेके गया है, तो तुम उसी के शरण में जाओ, अगर अम्बरीश माफ कर देंगे तो ये चक्र पीछे आ जाएगा, नहीं तो आपका सिर जाएगा।
फिर वहां से भागे स्वर्ग से भाग भाग के प्रमृत लोक में आए और आकर के राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। कहते महाराज गलती हो गई, ये चक्र मेरे पीछे पड़ा है। तब राजा वहां से जाने और आने तक उनको एक साल लगे। अब राजा क्या किया, अरे मेरे दरवाजे से एक ऋषि उपवास चला गया, अब जब तक वो आके खाना नहीं खाएंगे हम भी खाना नहीं खाएंगे, फिर एक साल उपवास व्रत किया देखो इनका प्रेम और उनका प्रेम वो हमारे दरवाजे से उपवास गए करके उन्होंने खाना ही नहीं खाया, और इनका दुरुद्देश्य है क्योंकि ऋषियों मुनियों का ख्याल ऐसा ही होते हैं। तो बाद में तब उन्होंने प्रार्थना किया सुदर्शन का कि मालिक आप पीछे जाओ, इनको प्राण दान दे दो। तब वो सुदर्शन वहां से पीछे चला गया। तब दुर्वासा कहते हैं कि हाँ अब भक्ति की महिमा मालूम हो गई कि भक्ति क्या चीज है, तो तपस्या कुछ और है भक्ति कुछ और है जब तब कुछ और है भक्ति कोई और है। तो भक्ति ऐसी चीज है कि भक्त के बस में भगवंती आ जाते हैं और वो उनके पीछे पीछे घूमते हैं, तो भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। तो भक्ति में क्या है, आडंबर नहीं, दिखावट नहीं है, पीला कपड़ा रुद्राक्ष नहीं है, घर मकान त्याग कर संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चे में रहते हुए ये काम कर सकते हैं। तो सब संतों ने भक्ति की महिमा कही है। अब हमारे संत महात्मा बहुत सारे गृहस्थ आश्रम में रहे सावन सिंह महाराज, उनके तीन लड़के थे और वो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में उन्होंने सारी रिटायर होने तक उन्होंने ड्यूटी किया, लेकिन मालिक से मिले थे, दिन भर ड्यूटी करते थे रात भर भजन करते थे। कौन करेगा जिसके अंदर तड़प होगी, मालिक से मिलने की तड़प होगी। हम तो घंटा दो घंटा भी नहीं बैठ पाते, संतों ने हमें ढाई घंटे का समय बताया है, दो घंटा सुमरण ध्यान, आधा घंटा भजन, 24 घंटे में ढाई घंटा अपने आत्मा के उद्धार के लिए हम नहीं दे पा रहे, लेकिन संतों ने रात रात भर जागा। जयमल सिंह महाराज जब स्वामी जी महाराज जी के पास, अब जयमल सिंह महाराज करीब 8 साल की उम्र से घर छोड़ दिया, गुरु पंच शब्द मार्गी गुरु शोधन में, तो जहां जहां भी महात्मा थे वहां जाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनसे पता लगाते, तो किसी के पास 2 शब्द का भेद है, किसी के पास 3 शब्द का भेद है, पंच शब्द मार्गी मिला नहीं। 2 साल घूमे तो एक जंगल में एक तपस्वी था साधु, जो सारा दिन एक पेड़ की डाल पकड़ के जंगल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा था। तो किसी ने कहा उसके पास जाओ, उसके पास 5 शब्द का भेद होगा। वहां गए, वो साधु किसी से बात नहीं करता था, किसी को आने भी नहीं देता था, कोई आया तो पत्थर लेके मारता था, भगा देता था, लेकिन ये आए तो उसने पत्थर नहीं मारा, आके बैठे कुछ दूर कि अब बात करेगा, ये तो अपना हाँ तपस्या में है, हाँ, डाल पकड़ के एक पैर पे खड़ा होके तपस्या कर रहा है। शाम हो गई, रात हो गई, बैठे रहे, 12 बजे के समय वो डाल छोड़ा और भाग के गया, वहां पे एक छोटा सा कुंड था पानी का,
उसमें स्नान करके आके और झोपड़ी थी, झोपड़ी में थोड़ा टाइम बैठ के फिर आके डाली पकड़ के खड़ा हो गया, कुछ नहीं बोला। और ये सोच रहे थे कुछ बात करेंगे बात करेंगे। दूसरे दिन भी ऐसे ही उपवास बैठे रहे। वहाँ जाके वो पानी पी लेना और आके बैठना। तो तीसरे दिन उसको दया आई तो वो पूछता है कि बेटा क्यों तू यहाँ बैठा है? तो कहता है मुझे पांच शब्द मार्गी गुरु चाहिए, पांच शब्द देने वाला गुरु चाहिए। तो वो कहता है कि देखो बेटा मेरे पास भी तीन शब्द है, लेकिन तपस्या कर करके मेरी तीसरी आंख खुली है। मैं देख रहा हूं कि स्वामी बाग में अभी नए नए एक महात्मा हुए हैं, स्वामी बाग में प्रकट हुए और वो पांच शब्द का भेद दे रहे हैं। आगरा में पन्नी गली में। अब ये सुन के ये बड़े खुश हो गए और वहां से चल दिए। अब आगरा कोई छोटा मोटा शहर तो है नहीं। करीब पांच छह दिन आगरा घूमे। उस समय क्या इतना कोई सुविधा नहीं थी, 200 साल पीछे की बात है। चल के और जब आगरा पूरा छान मारा, कहीं भी जमुना किनारे सब जगह कहीं भी महात्मा का ये नहीं हुआ, तो निराश होके तीसरे दिन जाके जमुना के किनारे बैठे थे कि अब महात्मा भी नहीं मिला और मेरा इतना समय वेस्ट हो गया, जमुना में गिर के मर जाना। ये ख्याल कर रहे थे। इतने में तीन ब्राह्मण सवेरे स्नान के लिए आए और स्नान करके धोती पहनने के समय वो स्वामी जी महाराज जी के विषय में बात कर रहे थे। तो जब इनके कानों में स्वामी जी का वाक्य गया तो ये भाग के जाके पूछते महाराज कौन सा स्वामी जी के बारे में बात करते हो? कहते हैं बेटा यहाँ एक महात्मा है, बड़े अच्छे महात्मा है और हम उनके पास दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो बोले अच्छा हमको भी लेके चलो। तो ये भी गए तो स्वामी जी महाराज जी का दर्शन हुआ पन्नी गली में। तो बाद में जो बहुत सारे प्रश्न थे इनके अंदर, बहुत सारे शंकाएं थी, इन्होंने प्रश्न किया, महाराज ने जवाब दिया, इनको समाधान हो गया। और बाद में ये वहीं पे रहना चाहते थे सेवा में, नाम भी दे दिया तीसरे दिन, ये सेवा में रहना चाहते थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं बेटा तुमको मेहनत काम करके खाना है और भजन बंदगी करना है, तुमको आश्रम में नहीं रहना है। तब गुरु का हुक्म मान के देखो ब्रह्मचारी बेचारा लड़का उस समय 13-14 साल की उम्र थी तो मिलिट्री में जाके भर्ती हो गए, सिख रेजिडेंट में भर्ती हो गए। तो सारा दिन ड्यूटी करते थे और रात भर अपने मिलिट्री कैंप के बगल में ही एक 5 फीट गहरा खड्डा खोद देते, 5 फीट चौड़ा, और बंदूक नीचे रख के चादर ऊपर टान के और भजन बैठते थे रात भर। जब उसके दोस्त तैयार सो जाते थे तो धीरे से 11 बजे के समय जाके और खड्डे में भजन बैठ जाते, रात भर भजन, फिर सवेरे उठ के स्नान करके नाश्ता करके ड्यूटी पे हाजिर होते थे। सारा दिन ड्यूटी। अब मालूम है मिलिट्री ड्यूटी कितनी सख्त होती है। तो कहते हैं सारा दिन ड्यूटी और रात भर भजन कौन करेगा? तो कहते हैं कोई प्रेमी करेगा जिसको मालिक से मिलने की तड़प होगी। तो महात्माओं ने इस तरह से रात रात भर भजन करके ये करके ही उस मालिक को पाया है। आप जिस भी महात्मा की हिस्ट्री पढ़ के देखो उन्होंने कितना तकलीफ उठाया है उस मालिक के लिए। तो कहते हैं भक्ति,
ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बाल बच्चे में रह के परमात्मा से नहीं मिल सकते, गलत बात है। हम दुनिया में रह के बाल बच्चे में रह के अपना ड्यूटी बजाते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। खाली मन में परिवर्तन आना, जो मन दुनिया के रंग से रंगा है, अगर वही मन नाम के रंग में रंग जाए और हम बाल बच्चे में रहे तो हम सच्चे सन्यासी, ऑटोमेटिक हमारा काम बने। सुमरन करते हुए खाना बनावे, सुमरन करते हुए रास्ता चले, सुमरन करते हुए खेती करें, सुमरन करते हुए कहीं बस में जाएं, जहां भी जाना है, तो आप सच्चे सन्यासी। घर बैठे मालिक मिल जाता है तो ये बहुत सरल रास्ता है भक्ति। लेकिन मन के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। जो मन माया के रंग में रंगा है और नाम के रंग में रंग जाए, बस फर्क इतना ही है जी। भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान, यही मता गुरु मत पहिचानो, और मते सब झूठ बुलान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, यही मता गुरु मत पहचानो और मते सब भूल भूलान। और जो रास्ते हैं उससे हमारा भ्रम दूर नहीं होता है। चाहे अब देखो, ऋषियों मुनियों ने कोई कम तपस्या नहीं किया, 60,000 बरस, 80,000 बरस तपस्या करके भी मन धोखा दिया। कहते हैं एक दूसरे को श्राप आशीर्वाद देने में अपना कमाई बर्बाद किए। क्यों? मन बस में नहीं आता है। हमने कल भी कहा कि मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो हम उसको बस में कर लें। ये त्रिलोकी का मालिक है और 3 लोक मन के बस में है। 33 करोड़ देवी देवता सब मन के बस में है। योगी जपी तपी सन्यासी कहते हैं कितना भी वो मन का हद पार नहीं कर पाते हैं। मन ब्रह्म से आया हुआ है, इसका स्थान ओंकार ब्रह्म है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो इसको बस में कर लो। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं मन को बस में करने के लिए एक चीज है, कोटि जतन से यह मन नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। कहते अगर आपके ऊपर की आवाज जो आपके अंदर शब्द हो रहा है, अनहद नाद हो रहा है, अगर वो प्रकट कर लो तो मन जाके उसमें समा जाता है। क्योंकि मन को लज्जत चाहिए, आनंद चाहिए। जब उसको सबसे अच्छा से अच्छा चीज मिल जाती है तो मन जाके उसमें समा जाता है। वो क्या चीज है? अनहद नाद, जो आपके 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है। अगर वो प्रकट कर लो, साधन करके अंदर आ जाओ, शब्द प्रकट कर लो, तो आपका मन आपके बस में आ जाए। क्यों? मन जाके शब्द से जुड़ जाता है। शब्द को छोड़ के दुनिया में आना ही पसंद नहीं करता। तो जहां मन नहीं वहां आशा और तृष्णा नहीं। तो मन को सोझी हो जाती है, अरे मैं ब्रह्म से आया हूं, मैं इंद्री नहीं, मैं शरीर नहीं, और ये दुनिया अपनी नहीं। दुनिया को लात मार देता है मन, जाके शब्द से जुड़ जाता है, अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी तक मन भी भूला है, आत्मा भी भूली है। मन भी अपने घर से दूर हुआ है, आत्मा भी अपने घर से दूर हुई है। महात्मा कहते भाई, आत्मा सतलोक सचखंड से आई है और मन ब्रह्म से आया है। ये कोई छोटी बड़ी चीज नहीं।
जब आत्मा सतलोक से नीचे आ रही थी तो वहीं ब्रह्म में ही काल ने मन के साथ गांठ मार दिया। वहां से दोनों मिल के नीचे आए हैं। अब देखो 84 में भी जाओ आप, पेड़ पौधों के शरीर में जाएंगे तो यही मन और यही आत्मा होगा। आप निचले कीड़े मकोड़े के शरीर में जाएंगे तो यही मन और यही आत्मा होगा। वहां मन बदलता नहीं है, ये लास्ट तक साथ निभाता है यही मन। अब हम मानव शरीर में जो कर्म कर रहे हैं वो कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है, आत्मा पे नहीं। आत्मा तो पहले भी निर्मल थी, आज भी निर्मल है। कर्म मन ही करवाता है और कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है। मन मलिन होता है, आत्मा मलिन नहीं होता है। आत्मा पहले भी निर्मल था, आज भी निर्मल है, लेकिन रुकावट मन का है। अब महात्माओं को आत्मा के उद्धार के लिए मन का उद्धार करना पड़ रहा है। मन को सत्संग के जरिए समझा बुझा के अंदर लेके आना और अंदर ला के उसको शब्द और प्रकाश की आधार देना, शब्द और प्रकाश का आधार देना और उसको ऊपर लेके जाना। तो जब दोनों ऊपर जाते हैं ब्रह्म में जाके मन समा जाता है, आत्मा की गांठ खुल जाती है ब्रह्म में और आत्मा गुरु के साथ अकेली ऊपर जाती है। और जाके पार ब्रह्म में स्नान करके निर्मल हो जाती है, उसमें 12 सूर्य का प्रकाश निकलने लगता है आत्मा के अंदर से। वहां न कोई स्त्री है न पुरुष है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता है। आत्मा शब्द और प्रकाश रूप है। ये तो अपने कर्मों के भुगतान के लिए वही आत्मा एक जगह स्त्री बनी बैठी है, एक जगह पुरुष बना बैठा है, एक जगह कीड़े मकोड़े के शरीर में। वही आत्मा है जो आपके अंदर है। तो आत्मा छोटी से छोटी चीजों में भी समा जाती है, बड़े से बड़े शरीर में भी समा जाती है। हाथी के शरीर में वही आत्मा है, चींटी के शरीर में वही आत्मा है। चींटी के शरीर में कोई छोटी आत्मा नहीं है और हाथी के शरीर में कोई बड़ी आत्मा नहीं, वही आत्मा है। आत्मा के अंदर वो ताकत है, वो छोटी से छोटी शरीर में भी समा जाता है, बड़े से बड़े शरीर में भी आ जाता है। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा को दिखाई भी देता है, आत्मा को सुनाई भी देता है। है तो प्रकाश रूप शब्द रूप, लेकिन उसे सुनाई भी देता है दिखाई भी देता है। इसीलिए कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, ये सतलोक सचखंड की रहने वाली है और मन ब्रह्म का अंश है जी। यही मता गुरु मत पहिचानो और मते सब झूठ बुलान, बिना भक्ति तोते सब मानो, छिलका है मींगी की हान। तो वही आप कहते हैं कि बिना भक्ति तोते सब मानो, बिना भक्ति का आपका कोई भी साधन थोता है। जब तक कि सच्ची भक्ति आपके अंदर नहीं, सच्ची भक्ति सच्चा प्रेम, मालिक से मिलने की तड़प होना चाहिए। ये नहीं ऊपर ऊपर की भक्ति किए, अंदर एक और बाहर एक, अपने मन में एक भावना रखते हैं ऊपर दिखाते एक हैं, तो ये सच्ची भक्ति नहीं होती। और इससे मालिक पसंद नहीं होता है। कहते हैं जैसा अंदर हो वैसा ही बाहर भी होना चाहिए। अंदर एक भावना, बाहर दूसरा भावना और बोलना तीसरा,
तो ये तीनों तीन तरफ हो जाते हैं तो काम नहीं बनता, तीनों एक होना चाहिए। कहते हैं कि जैसे कहते हैं वैसे चलना और मालिक की भक्ति से जुड़ना। दिखावटी भक्ति परमात्मा को मंजूर नहीं है और वो परमात्मा कभी उसे माफ नहीं करता। वो सच्ची भक्ति चाहिए, उसको मिलने के लिए सच्ची भक्ति की जरूरत होती है। तो वही आप कहते हैं कि बगैर भक्ति के चने के ऊपर छिलके के समान हमारा सब तकलीफ उठाना, तपस्या करना, साधन करना, जब तक कि अंदर प्रेम नहीं। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीर साहब कहते हैं वो प्रेम जब तक प्रकट नहीं होता मालिक से मिलने का, तब तक वो भक्ति नहीं कहा जा सकता। वो प्रेम बहुत ऊंचा है और भक्ति प्रेम का रास्ता है। देखो, दुर्योधन ने कृष्ण को आमंत्रण दिया भोज के लिए, खाने के लिए, और बहुत तरह तरह का खाना बनाया था और कृष्ण ने भी स्वीकार किया। वहां से आने जैसे आए, बगल में ही विदुर का घर था, दासी का। अब दुर्योधन के घर के पास तक आए लेकिन गए कहां, विदुर के घर गए। अब विदुर की औरत, विदुर कहीं बाहर गए थे और बेचारी बर्तन साफ कर रही थी। अब गरीब के घर में क्या है, सादा रोटी, बाजरे की रोटी और साग बनाता, तो आके कहते हैं कि हमें बहुत भूख लगा है, कुछ है तो दे। अब वो बेचारी शर्मा गई, करे क्या, दो आदमी को बनाया था, सब खत्म हो गया, बर्तन साफ कर रही। अभी जो साग बनाया था वो तपेली ऐसा ही था। तो बाद में कहते महाराज दोई को बनाया था, हो गया, बैठो, 5 मिनट में बना के दे देते। तो कहते नहीं, देखो उसमें कुछ साग लगा हुआ है ना, साग तो कैसा ही लगा रहता है, कहते वही निकाल के दे दे। अब वो प्रेम में इतने भूल गई थी, कृष्ण आ गए, अब वो जो कहते वही कर रही है, वही खरोच खरोच के ला के रख रही है और ये बड़े प्रेम से खा रहे हैं। तो कहते हैं तजा सकल पकवान और खाए दासी सुत भाजी। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, लेकिन मर्दा सबका मान सुपुच बिन घंट न बाजा। कहते हैं कि युधिष्ठिर ने महाभारत समाप्त के बाद कृष्ण ने क्या कहा कि आप लोगों ने अपने कुल खानदान का नाश किया, मारा, आपको कुल पातक लग गया। अब अश्वमेध यज्ञ करके उस पाप को धुलना चाहिए और लोगों को खाना देना चाहिए, भोजन। अब करे क्या, महाभारत में सब सत्यानाश हो गया, अब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भी ताकत नहीं। लेकिन किया लोगों, और बाद में यज्ञ सफल कब होगा, जब आकाश में घंटा बजेगा कहा है। सब लोगों ने खाना खाया शाम तक, आकाश में घंटा बजा ही नहीं। तब लोग सोचते हैं कि अभी कृष्ण परमात्मा बाकी है, वो खा ले तो घंटा बज जाए। तो जाके हाथ जोड़ के कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि महाराज सबका हो गया, सब ऋषि मुनि पंडित पंडा सब लोग खा लिया, अब आप ही बाकी हैं, आप भी पालो। अब कृष्ण परमात्मा भी जाके खाना खाए, आकाश में घंटा नहीं बजा। फिर पंच पांडव को टेंशन हो गया, कहते महाराज और कौन बाकी है, सबको खाना खिलाया मैंने,
अपने राज्य में जितने लोग हैं सबको, तो कहते हैं देखो उन्होंने अंतर ध्यान होके देखा, क्योंकि इनके भी समझ में नहीं आया तो अंतर ध्यान होके देखा, तो 1 किलोमीटर पे एक जंगल था, उसमें सुपुच महर्षि ध्यान बैठे थे। वो कबीर के शिष्य थे द्वापर युग में करुणामय के कबीर का दूसरा अवतार। तो बाद में ओहो एक भक्त है जो आपके राज्य में है, वो बाकी है इसलिए आकाश में घंटा नहीं बजा, आप उसको बुला के लाओ, भोजन पालो, वो पालेगा तो घंटा बज जाएगा। पंच पांडव गए बेचारे, अब जा करके हाथ जोड़ के दंडवत नमस्कार करके खड़े हो गए कि महाराज आओ भोजन पाके हमारा यज्ञ सफल करो। अब सुपुच सच्चे भक्त थे अब वो राजा महाराजाओं के यहाँ भोजन करने नहीं जाते थे, उनका नियम था, वो नीच जात के थे, जो भी बाहर धान बीन ये सब वो सब लोग करके चले जाते तो जो भी कुछ भूसा होता उड़ा के उसमें जो कुछ मिलता वो उसी को ला के बना खाते थे, भजन करते थे। तो बाद में उन्होंने एक तरीका अपनाया कि ये राजा लोग है तकलीफ देगा तो ये लोग परेशान कर, नहीं महाराज आओ आप खाना भोजन पालो। तो कहते हैं कि नहीं मेरा एक शर्त है। बोले क्या? 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल दे तो हम आके खाना खाएं क्योंकि आना नहीं चाहते थे। तो कहते महाराज 1 अश्वमेध यज्ञ करना भारी है, अब 1000 अश्वमेध यज्ञ करके फल आपको देना और आप आके भोजन पाना ये तो होने वाला नहीं तो मैं आने वाला नहीं, क्योंकि वह जाना ही नहीं चाहते थे। अब वहां से लौट के आए दुखी, उनको दुखी देख करके द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ। द्रौपदी शक्ति का अवतार अग्नि से प्रकट हुई थी तो द्रौपदी कहती क्यों महाराज आप लोग बड़े चिंतित हैं? तो कहते अरे क्या करना ऐसी ऐसी बात है। तो बोले आप क्यों चिंता करते हो, कल मैं सवेरे बुला के लेके आते हूँ। अरे तू क्या बुलाएगी, उनका ऐसा शर्त है, आप चिंता मत करो मैं लेके आऊंगी सवेरे उठ के उन्होंने स्नान करके द्रौपदी 56 प्रकार का खाना बनाया सवेरे उठ के 3 बजे से 56 प्रकार का खाना बना के, द्रौपदी खाना बनाने में बड़ी निपुण थी, 56 प्रकार का खाना बना के और स्नान उस्नान करके बगैर चप्पल के मालिक का नाम सुमरण करते करते बगैर चप्पल पहने, नाम परमात्मा का नाम सुमरण करते करते वहां गई और झुक के नमस्कार किया। अब महात्मा समझ गए कि कल पांडव लोग आए थे आज ये आ गई तो महात्मा कहते हैं कि द्रौपदी देखो कल पंच पांडव आए थे, उनके आगे जो शर्त है वही तुम्हारे आगे, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल दो तो हम आके भोजन पाए। तो द्रौपदी कहती है कि महाराज संतों का वाक्य सच होता है या गलत होता है? तो कहते हैं संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड फंस गए। तो द्रौपदी कहती है महाराज मैंने सुना है कथाओं में संत दरस को जाइए तज माया मोह अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोट यज्ञ समान। महाराज सच है? बोले हाँ सच है तो बोले महाराज मैं कितना श्रद्धा भक्ति से मालिक का नाम सुमरण करते हुए बगैर चप्पल के आपकी तरफ आई है सुमरण करते हुए मैं आपके दर्शन के लिए, महात्मा के दर्शन के लिए, इसलिए 1 कदम का फल आप लेके बाकी कदम के फल में आके आप भोजन पाले। अब वहां से उठ के आना ही पड़ा फंस गए आगे।
तो द्रौपदी ने एक लोटा जल दिया, हाथ पैर धोए, उनको अच्छा आसन पे बिठाया और एक बड़ा केला का पत्ता पड़ोसा पूरा और उस पे थोड़ा 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 56 प्रकार खाना कुछ होता है, एक एक चमचा भी रखे तो पत्ता भर गया। अब ये तो महात्मा इनको स्वाद से क्या लेना देना। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने महाराज पाओ हुक्म किया तो सब मिला दिया, मिला के खाने लगे तो द्रौपदी के मन में अभाव आ गया कि देखो, क्योंकि वो नीच जात के थे चमार देखो नीच जात की बुद्धि नीची होती है, अलग अलग खाए होते तो पता लगता द्रौपदी कैसा खाना बनाती है और सब मिला के खाने लगे, ऐसा बोलने से वो अंदर अंदर ही ऐसा सोचने से उनका दिल नाराज हो गया महात्मा का और आकाश में घंटा नहीं बजे और वो खाना खा लिए और घंटा बजा नहीं। तब पंच पांडव आके कृष्ण के सामने कहते महाराज और कौन भागी है उन्होंने भी खाना खाया और आकाश में घंटा नहीं बजा। तो कहते उन्होंने फिर अंतर ध्यान होके देखा कि और कोई बाकी है क्या तो देखते हैं कृष्ण, तो हो महात्मा खाने के समय द्रौपदी के मन में अभाव आ गया, इसलिए उनका दिल नाराज हो गया। नाराज दिल से खाने से आकाश में घंटा नहीं बजा। तो कृष्ण कहते हैं कि जाओ द्रौपदी से पूछो कि वो महात्मा खाने के समय क्या क्या संकल्प किया उन्होंने, ऐसा ऐसा सोचा है इसलिए उनका दिल नाराज हुआ, आकाश में घंटा नहीं बजा, इसलिए कहो द्रौपदी से जाके चरणों में गिर के माफी मांगे और अपनी गलती उनके सामने कहें कि मेरे अंदर ऐसी भावना आ गई, महाराज माफ कर दो। वो महात्मा हैं, दयाल होते हैं, वो माफ कर देंगे, आकाश में घंटा बजेगा तो द्रौपदी जाके उनके चरणों में गिरी और जाके गिर के माफी मांगी कि मेरे मन में ऐसे ऐसे दोष आए आपके खाने के समय और उसे आप माफ कर दो। तो उन्होंने उसे माफ किया, तब जाके आकाश में घंटा बजा तो इसीलिए पलटू साहब ने वाणी में लिखा है, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सुपुच बिन घंट न बाजा जब तक सुपुच नहीं आके खाना खाए आकाश में घंटा नहीं हुआ, क्यों? उनके अंदर सच्ची भक्ति थी सच्ची भक्ति थी तो मालिक भक्त के बस में होता है जी। ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो और सयान पत जो निदान, भक्ति इश्क प्रेम ये तीनों, नाम भेद हे रूप समान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते इसीलिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो और सयानप तजो निदान, कहते हैं कि इसीलिए भक्ति को अच्छी तरह से पकड़ लो और जो भी अंदर चतुराई है अहंकार है उसे छोड़ दो, क्योंकि आपकी चतुराई वहां काम नहीं आती है, वहां दीनता नम्रता और प्रेम और प्यार लेके भक्ति। थोड़ा भी अगर अहंकार है तो हम कितना भी भजन करें हम अंदर नहीं जा सकते, अहंकार ही विनाश का कारण होता है। मैं मेरा मेरा यही हमें
84 के जेल खाने में भटका रहा है, क्या चीज, मैं मेरा मेरा। कहते यही चीज है जो हमें 84 में बार बार लेके जाता है, और ये सबसे खतरनाक बीमारी है। और भक्ति में अहंकार का नाश होना बहुत जरूरी है। अहंकार के बदले दीनता, नम्रता, संतोष, दया, शील, क्षमा। जहां काम, क्रोध, लोभ, वो अहंकार है, वहां क्षमा, शील, संतोष और दया, ये गुण आना चाहिए, तब तो काम बनता है। नहीं तो काम कहां से बने। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि ये जो है भक्ति का सच्चा रास्ता है, इसे ग्रहण करो, और यही संतमत सिद्धांत है। तो वही आप इशारा देते हैं, भक्ति, इश्क, प्रेम, ये तीनों, भक्ति, इश्क और प्रेम, चाहे इश्क कह दो, चाहे भक्ति कह दो, चाहे प्रेम कह दो, ये तीनों एक ही चीज है। जब मंसूर को सूली पे चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि वो उस मालिक के रंग में रंगा हुआ था, अनल हक, अनल हक, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, कई गलियों गलियों घूमता था। जो काजी कहता है ये कुफ्र है, एक इंसान अपने आप को परमात्मा कहता है, इसको हाथ पैर काट के सूली पे चढ़ा दो, राजा का हुक्म। तो उसको लेके जाते हैं पकड़ के जल्लाद, मंसूर को कत्ल करने के लिए। तो जब जल्लाद पकड़ के ले जा रहे थे, तो शेख सिबली और भी एक दो महात्मा पूछते हैं, महाराज प्रेम क्या चीज है? तो कहते हैं कि देखो, आज, कल और परसों में देख लोगे प्रेम क्या है। उसने ऐसे ही जवाब दिया। तो ले जाके उसको कत्ल किए, कत्ल का मतलब उसको सूली पे चढ़ाए। सूली होता है भाला, बहुत नुकीला, उसको जमीन में गाड़ देते हैं, और वो भाला ऊपर 1.5 फीट खुला होता है, और वो ऊपर जो है फांसी के गले में वो लटका के उसको उसी भाले पे छोड़ते हैं, और वो गुदा स्थान से सिर तक भाला बाहर आता है, वो सूली है, बहुत तकलीफ वाला है। फांसी देने पे सूली चढ़ाना बहुत तकलीफ है। जो बड़े पापी होते थे ऐसे लोग को सजा मिलते थे। अब उस बेचारे को, वो भगत है, सच्चा भक्त है वो, अब उसको हाथ पैर काट दिए। जब वो हाथ पैर कटा, उसका खून जाने लगा, तो वो कहता है कि अरे तुम लोगों ने ये हाथ काट दिया, ये पैर काट दिए, मेरा हाथ मेरा पैर तो परमात्मा के दरगाह में है, परमात्मा के पास है, तूने बाहर ही काटा है। तो बोलता है, बहुत बोलता है, इसका जबान काट दो। काजी कहता है, तो जब जबान काटने लगे तो कहता भाई थोड़ा रुको। वो आंख बंद करके मालिक से प्रार्थना करता है कि हे मालिक, तू कितना दयाल है, मेरे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, लेकिन मुझे एक चींटी काटे जितना भी दर्द नहीं, तू कैसा दयाल है। और मालिक का गुणागान करके कहता है, जला दो, आओ मेरा जबान भी काट लो। तो उसको जबान भी काट देते हैं। तो जहां खून गिरता है, वो अनल हक, अनल हक की उसमें से आवाज आने लगती है। तो अब काजी कहता है, कुफ्र है, ये सब जमा करके ले जाओ, इसको जला दो, जबकि मुसलमान जलाते नहीं। कि उसके खून से रक्त अनलक अनलक आवाज आ रहा है। तो उसको सब जमा करके गट्टर बांध के मट्टी, और ले जाके लकड़ी की चिता बना के जलाए। तो जब वो जल गया, राख, उसके राख से अनलक अनलक के दूसरे दिन आवाज आने लगी। अब काजी और घबराया कि देखो, खून से ही आ रहा था, अब राख से भी आ रही।
तो वो क्या किया, अच्छा ठंडा होने के बाद में इसको ले जाओ नदी में बहा दो, अब कल बहाएंगे। तो इसने क्या कहा था अपने एक शिष्य को, उसने 8 दिन पहले ही कहा था कि देखो मेरा ऐसा ऐसा हालत करेंगे, तो जब मेरे राख को नदी में, डजला नदी में डालेंगे, नदी में, तो नदी एकदम उफान गुस्से में, परमात्मा को गुस्सा आएगा, नदी ऊपर आएगी, जो है शहर को खत्म करने के लिए, गर्त करने के लिए। तो तुम हमारा पैजामा लेके खड़ा रहना, जब नदी ऊपर आने लगे शहर की तरफ तो तुम भाग के जाके उसको नदी में फेंक देना, और मेरा सामान उसको मिलते ही उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो नीचे चली जाएगी। लोगों के भले के सोचते हैं फकीर फिर भी। तो बाद में ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन जैसे ही उन्होंने राख डाला और वो नदी उफान पे आगे बढ़ी बसरा सिटी को डुबाने के लिए, दजला नदी ऊपर चढ़ाई करने लगी। तो बाद में अरे ये तो सारा शहर नाश होएगा, तो वो आदमी, वो जिनका शिष्य वो पैजामा लेके बैठा था, वो भाग के जाके उसमें डाल, क्योंकि जब वो राख अंदर डाला ना तो उसमें से अनलग अनलग का आवाज आने लगा नदी में। तो कहा ना कि आज कल और परसों में देख लोगे यानी प्रेम क्या होता है। जब उसका कत्ल हुआ तो खून खून में से अनलग अनलग आने लगा, जब उसको जलाया दूसरे दिन राख से अनलग अनलग की आवाज आने लगी, तीसरे दिन उसको नदी में बहाया तो नदी में से अनलग, जहां भी राख गई वहां अनलग की आवाज आने लगी। ये प्रेम है, ये मालिक का सच्चा प्रेम है, उसके भक्त के रग रग में मालिक का नाम रमा होता है। तो कहते हैं कि वो तीनों को यही बोला था कि 3 दिन में देख लोगे, आज कल परसों में देख लोगे, वो बोल के पहले ही गया था। तो इस तरह से होता है ये प्रेम। तो वही कहते हैं चाहे भक्ति कह दो, चाहे इश्क कह दो, चाहे प्रेम कह दो, ये तीनों एक ही बात है जी। भक्ति इश्क प्रेम ये तीनों, नाम भेद है रूप समान, भक्ति भाव यह गुरु मत जानो, और मते सब मन मत ठान। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भक्ति भाव जो है ये गुरुमत है, संतों का मत है, और बाकी सब मन मत है, अपने मन के दायरे में करते जाते हैं, वहां मन ही प्रधान होता है। तो कहते यही गुरुमत सिद्धांत है, इसीलिए संत कहते भाई सुमरन भजन करो, सुमरन भजन करो, अपने आप में परिवर्तन लाओ। एक इंसान नाम सुमरन के रंग में रंगेगा तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा, उसका आचार विचार व्यवहार सब बदल जाएगा, और एक नर नारायण बन जाएगा, एक मानव महात्मा बन जाएगा। नाम में इतनी पावर है, लेकिन हम नाम का जाप ही ना करें तो हमारे अंदर परिवर्तन कैसे आएगा। तो कहते भाई सुमरन बहुत जरूरी है, जो संतों ने आपको नाम दिया है ये बड़ी ऊंची दात है, आप करके देखो, आपके अंदर जादुई परिवर्तन आएगा, आपका आचार विचार व्यवहार सब बदल जाएगा जी। भक्ति भाव यह गुरु मत जानो, और मते सब मन मत ठान, प्रेम रूप आत्म परमा।
आत्म भक्ति रूप सतनाम बखान। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई प्रेम रूप, आत्मा भी प्रेम रूप है, परमात्मा भी प्रेम रूप है। आत्मा परमात्मा से मिलने का जरिया प्रेम ही है। अगर वो प्रेम हमारे अंदर प्रकट हो जाए, हमारा काम बन जाए। अभी ये प्रेम जो हम करते हैं मालिक से, ये प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है, ये क्षणिक प्रेम है। कहीं मालिक की महिमा सुन के, कथा सुन के, या कोई महात्माओं के पास जाके प्रेम का रंग चढ़ जाता थोड़ा टाइम के लिए, और फिर जब दुनिया में जाते हैं, दुनिया की हवा लगती है, तो प्रेम का रंग उतर जाता है। तो कहते ये सच्चा प्रेम नहीं है। कहते छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। आठ पहर उस प्रेम के रंग में रंगा रहे, वो सच्चा प्रेम है। एक सेकंड में प्रेम का रंग चढ़ जाता है, एक सेकंड में उतर जाता है, तो ये सच्चा प्रेम नहीं है। ये सच्ची भक्ति नहीं है। कहते आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। आठ पहर उसी रंग में रंगा रहे, नाम के रंग में, वो सच्चा प्रेम है। उस प्रेम के संतों ने महिमा गाई है। वो प्रेम कब प्रकट होगा? जब आप सुमरन भजन करके आपकी रूह ये छह चक्कर पार करके सातवें में आएगी, आपकी तीसरी आंख खुलेगी। और शब्द अनहद नाद और ज्योति प्रकट हो जाएगा, गुरु प्रकट हो जाएगा, तब वो प्रेम प्रकट होता है। जिसको पाके मीरा दीवानी हो गई। मीरा जब रविदास की शरण, मीरा कृष्ण भक्त थी, 35-40 साल उसने कृष्ण की आराधना किया, लेकिन जब भोजराज गुजर गए उसके पति, तब मीरा गंगा स्नान के लिए काशी गई। मीरा पवित्र आत्मा थी, रविदास जी का सत्संग सुन के मीरा में परिवर्तन आया। और मीरा रविदास की शरण में चली गई और नाम लेकर के मथुरा वृंदावन में साधन करने लगे, और मीरा की रूह चढ़ाई किया। जब उसकी तीसरी आंख खुली, गुरु और शब्द प्रकट हुआ, तो मीरा दीवानी हो गई। और खुशी से नाचने लगी। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम रूपी रत्न गुरु की कृपा से मेरे अंदर प्रकट हो गया, जिसकी कोई कीमत नहीं। तो मीरा दीवानी हो गई। वो प्रेम अंदर में प्रकट होता है। एक बार वो प्रेम प्रकट हो जाए तो फिर कम नहीं होता है, दिन दिन बढ़ते जाता है, कम नहीं होता है। जो कम होता है वो प्रेम नहीं। जी भक्ति और भगवंत एक है, प्रेम रूप तू सतगुरु जान, प्रेम रूप तेरा भी बाई, सब जीवन को यो ही मान। तो वही कहते हैं भक्त और भगवंत दोनों प्रेम रूप होते हैं। भक्ति के अंदर सच्चा प्रेम भगवंत के प्रति होवे तो ही दोनों एक होते। तो भगवंत भी प्रेम रूप है और भक्त भी प्रेम रूप हो जाए तो भगवंत उनके अंदर प्रकट हो जाते। तो इसीलिए आप कहते हैं प्रेम रूप तेरा भी भाई और सब जीवन को वही मान। कहते हैं कि तुम्हारा भी प्रेम रूप ही है, आत्मा भी प्रेम रूप ही है। आप शरीर नहीं हो,
शरीर तो किराए का मकान है, ये मट्टी का बर्तन है, तुम आत्मा हो, इस शरीर को चलाने वाले हो। शरीर तो मट्टी का है, जब तक आत्मा ड्राइवर बैठा है गाड़ी चल रही है। अरे भाई, कार में ड्राइवर बैठेगा तो गाड़ी चलेगी, अब ड्राइवर उतर जाएगा तो गाड़ी कहाँ चलेगी, फिर धक्का मारो तो भी नहीं जाएगी। इसी तरह से ये कार है और अंदर ड्राइवर बैठा है, वो ड्राइवर जब तक है तब तक ये चल रही है, सारा कारोबार कर रही है। और जिस दिन ड्राइवर वो सीट से उतर जाता है तो इसकी चक्का जाम हो जाता है। चार आदमी की जरूरत होती है। इसीलिए अगर आप अपने आप को शरीर कहते हैं तो ऐसा होता है कि एक ड्राइवर अपने आप को कार कहता है। अब ड्राइवर अपने आप को कार कहेगा तो भाई उसको शोभा देगा। ड्राइवर कुछ और होता है, कार और होती है। ड्राइवर बैठा कार चालू, ड्राइवर उतर गया कार खड़ी। ऐसे ही आत्मा रूपी ड्राइवर जब तक इसमें बैठा है इसकी शोभा है, ये चल रहा है, बात कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है। अब जिस दिन ये ड्राइवर उतर जाएगा, आत्मा इस पिंजरे को खाली कर जाता है, देखो इसकी क्या हालत होती है। एक दिन कोई घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता, रात को मरे तो बड़ा पिघलाटा। रात को 9-10 बजे मर जाए तो बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि रात को तो नहीं उठा रहा, तो क्या करते हैं इसको, बाहर एक पुराना चादर तान के लिटा देते। और फिर जो लोग प्रेम करते थे वही लोग देख के डरते, कहते भूत बन के ना पकड़ ले किसी को। बच्चा लोग नहीं डर जाए। देखो ये हालत है। हमारे आश्रम में हम सेवा में थे तो हमारे साथ एक ड्यूटी करता था, वो महाराष्ट्र का, उसको बुआ बुआ कहते थे। वो रात को 9:30 बजे गुजर गया। उसको 75 साल की उम्र थी। अब उसका जवान लड़का 30 साल का है, उस समय 25 साल का था। तो वो गुजर गया, तो अभी बाबा जी क्या कहते, अब रात को जाना खड्डा खोदना, क्योंकि वहाँ जमीन बहुत सख्त थी, पत्थर की जमीन, अब कौन जाएगा खड्डा, लोग सेवा करके थके हुए हैं, तो उसको गेट रूम के वरंडा में लिटा दो। और उसके लड़के दशरथ उसका नाम था लड़के का, तो लड़के कह दो थोड़ा रात भर बैठे उधर, क्योंकि भाई जब तक इंसान जिंदा है इसका अलग बास आता है, लेकिन मरने के बाद वो बास अलग आता है। मुर्दा वो अलग ही दुर्गंध आती, उसका बास आता है। तो कुत्ता बिल्ली लोग ये करने का डर होता है, मुंह मारेंगे, तो इसलिए उसके लड़के को वहाँ बैठा दो। तो हम जाके लड़के से कहा कि ऐसी ऐसी बात है और सवेरे उसको दफनाएंगे। तो बाद में वो लड़का कहता नहीं नहीं मैं नहीं बैठता। अब देखो बाप ही है, नहीं बैठा हो, बोलता मुझे डर लगता, मैं नहीं बैठता। 25 साल का लड़का बैठा नहीं, आज उसकी 50 साल की उम्र होगी लड़की। तो कहते बाद में अब कोई नहीं, तो बाद में बाबा जी हमको बुलाए, मैं नाइट ड्यूटी करता था, अब राम सिंह आज ड्यूटी नहीं किया चलेगा, तुम वहां बैठो। तो मैं कुर्सी लगा के सारा रात भर उसके पास बैठा रहा। तो ये हालत है दुनिया की। कहते स्वार्थ के सब बंधु जगत में, सुत दारा और मीत, जीव अकेला आवे जावे कोई नहीं संगीत। दुनिया स्वार्थी है, जब तक ताकत है, धन दौलत है,
इज्जत है, मान बढ़ाई है, तो सब अपने बन जाते हैं। ये तीन चीजें जिसके पास नहीं होती तो कौन अपना बनता है। कहते हैं एक गरीब रिश्तेदार अगर कोई आ जाए सामने तो पैसे वाले लोग रास्ता काट लेते हैं कि कहीं कुछ मांग नहीं ले। ऐसी हालत है। कहते हैं भाई स्वार्थ, जब तक स्वार्थ चलता है प्रेम विश्वास होता है, जिस दिन स्वार्थ बंद हो जाता है प्रेम विश्वास उसी दिन खत्म हो जाता है। अगर सच्चा प्रेम प्यार होता तो बुढ़ापे में भी लोगों की ऐसी सेवा करनी थी ना। आज बुजुर्गों का क्या हालत होता है देखो। हमारे आंध्र प्रदेश में पैसे वाले लोग ले जाके वृद्धा आश्रम में छोड़ दे रहे। अब वृद्धा आश्रम में क्या वो सुखी रहेंगे? उनको तो नाती पोतों के साथ खेल के और बातचीत करके ही उनको खुशी होती है, चाहे कितना भी तकलीफ घर में हो। वृद्धाश्रम में वो टाइम टाइम खाना देते जरूर, 2 लाख रुपया जमा कराते खाना डालने का। एक कमरा दे देते हैं, एक कमरे में 2-3 बुढ़े लोग रहते और फिर खाना पीना टाइम टाइम देते हैं वो 2 लाख के अंदर। तो ऐसा है जो पैसे वाले लोगों ले जाके वृद्धाश्रम में, तो वो लोग हमारे ये गीता आश्रम है हमारा जो निजामाबाद में आश्रम है तेलंगाना में, तो हमारे राधा स्वामी आश्रम के बगल में गीता आश्रम है। ये उधर की है मीरा। किसान नगर में हमारा बड़ा आश्रम है, बगल में गीता आश्रम है। ये लोग आए हैं तेलंगाना से भी। तो वो गीता आश्रम में क्या है, वृद्धा आश्रम बना है। वो सफेद साड़ी पे रहते औरतें आदमी, तो वो लोग हमारे सत्संग में आते थे बेचारे। आते हैं सत्संग सुन के थोड़ा तसल्लित होती है लेकिन दुखी होते हैं बेचारे, क्यों कितना भी उनको खाने पीने का वो टाइम टाइम दे ये करें, लेकिन वो बाल बच्चे में रह के जितना सुखी अपने आप को महसूस करते हैं वो वृद्धाश्रम में तो नहीं करेंगे। वहाँ कोई नहीं, न लड़का लड़की न नातू पोतू। तो बताओ ये हालत है। तो स्वार्थ नहीं तो क्या है, जब तक उनके शरीर में ताकत थी वो कमाते थे कुछ करते थे तब तक तो प्रेम प्यार था। अब कमाना बंद हो गया, ताकत थोड़ा कम हो गई तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार। कहते नहीं भाई, उन बुजुर्गों ने आपके लिए कितना किया होता है। उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका श्राप उनका दिल दुखाने से अगर जो आह निकलेगी वो तुम्हारा भला नहीं करेगी। कहते हैं ना, खाली चाम के हाय से लोह भस्म हो जाए। कबीर साहब कहते हैं लोहार की बाटी होती है खाली चमड़ा ही होता है, वो हाय हाय शब्द आता है, ऐसा करते हैं ना बाटी तो हाय हाय करता है, उसके हाय से अगर लोहा थोड़ा टाइम भूल गए तो पानी हो जाता है पिघल के। तो सूखे चाम के हाय से लोह भस्म हो जाए, और ये तो जीते जागता चमड़ा है, इसके आय से आपका भला कब होएगा। तो कहते नहीं, उनका आशीर्वाद लो, उनका आशीर्वाद ही आपकी जिंदगी को सुखी बनाएगा। बुजुर्गों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो, उनको तकलीफ मत दो, नहीं तो आपका भला जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, आप सुखी कभी नहीं हो सकते। इसीलिए महात्मा कहते भाई, आत्मा भी प्रेम रूप है, परमात्मा भी प्रेम रूप है, और जितने भी जीव हैं सब वही प्रेम ही है, सबकी आत्मा प्रेम रूप ही है। तो इसलिए उनसे प्रेम करो। प्रेम करना सीखो,
अगर प्रेम को बढ़ाना है तो दूसरे को प्रेम देना पड़ता है। हम दूसरे से विरोध करके उससे प्रेम चाहें तो कभी नहीं होता है। यही हालत होती है सास बहू की। अगर सास अपने बहू को अपनी लड़की समझ ले, उसको प्रेम से पाले रखे, तो विरोध क्यों हो। लेकिन सास नहीं समझती है और कहीं से आई हुई है, तो इसीलिए तो झगड़ा होता है। तो कहते उसको वही प्रेम दो जो घर में मिलता था मां से, तो वो क्यों आपका तकलीफ करेगी, वो आपको उसी तरह से प्रेम प्यार से देखेगी, आपकी सेवा करेगी। लेकिन यही भावना आता नहीं, मेरा घर है, मेरा अधिकार चलना। अभी वो सब घर बार छोड़ के आई है तो आपका ही है, अभी उसका भी घर है वो। तो उसको जब प्रेम प्यार नहीं, अगर हम किसी से प्रेम चाहते हैं तो उसको प्रेम देना पड़ता है, तब आपको भी प्रेम मिलेगा। आप विरोध करके प्रेम चाहे तो कहां से आएगा। तो विरोध का उल्टा विरोध ही मिलेगा। तो इसीलिए कहते भाई सब प्रेम रूप है, सबसे एक दूसरे से प्रेम करना सीखो जी। एक भेद या में पहचानो, कहीं बूंद कहीं लहर समान, कहीं सिंध सम करे प्रकाशा, कहीं सोत और पोत कहान, कहीं चा प्रबल होए बेटी, कहीं हुई माया बलवान, एक टिकाने माया तोड़ी, सिंध प्रताप शुद्ध हुई आन। फिर वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि फर्क इतना ही है, सब प्रेम ही प्रेम है, आत्मा भी प्रेम रूप है, परमात्मा भी प्रेम रूप है और गुरु भी प्रेम रूप है। लेकिन फर्क इतना है कि कहीं बूंद के समान है और कहीं लहर के समान है, नदी के समान, और कहीं समुद्र के समान है। आत्मा बूंद के समान है। अभी यहाँ पे आप जब तीसरी आंख खुलेगी तो आप अपने आत्मा को देख सकते हैं। यहाँ पे बिंदु समान प्रकाश और शब्द रूप में आत्मा यहाँ पे टिकी हुई है, ये आत्मा बिंदु के रूप में है, लेकिन लाइट साउंड प्रकाश रूप शब्द रूप है। और संत जो हैं वो भक्ति करके जाके अपने गुरु से मिले हैं, परमात्मा से मिले हैं, इसीलिए वो नदी समान होते हैं गुरु। ये बूंद जाके नदी में गिरता है, मिलाता है, और नदी जो है समुद्र से जुड़ी हुई है, उसको लेके जाके समुद्र से समा जाती है। ये जरिया है, एक जगह समुद्र के समान वो परमात्मा है, एक जगह नदी के समान गुरु है, और एक जगह बूंद है आत्मा, बूंद के समान है। तो जब आप अंदर जाएंगे, आपकी तीसरी आंख खुलेगी तो आप देख सकते हैं, यहाँ बिंदु के समान आपका रूप आपको दिखाई देगा, शब्द और प्रकाश रूप। आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो आपका भ्रम दूर हो जाता है। जब आपकी तीसरी आँख खुलती है तो ज्ञान की आँख। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं एक जगह बूंद के समान है वो आत्मा है, एक जगह लहर के समान है वो महात्मा है, और एक जगह समुद्र के समान वो ऊपर बैठा है, समुद्र के समान है वो परमात्मा है जी। सोत पोत में माया नाई,
वहाँ प्रेम ही प्रेम रहान, वह भंडार प्रेम का बारी, जाका दिन अंत दिखान। तो वही कहते हैं कि बूंद में गंदगी है, अभी कर्म करके मलिन हो चुका है, जीवात्मा बना बैठा, आत्मा भी नहीं जीवात्मा, क्योंकि जीव अपने आप को भूल गया है। आप किसी से भी पूछो आप कौन हैं, तो शरीर का नाम बताते हैं, हम फलाना है, कोई कहता है मैं आत्मा हूं। भूल गए अपने आप को भी, भूल गए अपने पिता को भी, भूल गए अपने घर को भी, भूल गए ये दुनिया को अपना देश समझ लिया और ये शरीर को अपना रूप समझ लिया और यहाँ के चीजों को अपना बना लिया, फंस गए इसमें माया के धोखे में, जबकि ये सब झूठ है। जो एक दिन हमारा साथ छोड़ देता है वो सब झूठ है। ये हमारे चार दिन हमारे पिछले कर्मानुसार दिए जाते हैं, काल और माया के हैं, ये हमारे नहीं हैं। हम आने के समय खाली हाथ आए थे और जाने के समय खाली हाथ जाएंगे, ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जा सकते हैं। चाहे कितना भी कह दो मेरा 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 करने, सब खाली हाथ गए। कहते ना राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहें कबीर थिर नहीं सपने जीव संसार। राम रावण जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके दुनिया से चले गए, यहाँ कोई अपना कायम ठिकाना नहीं बना सका। ये दुनिया का नाम मृत लोक है, मरने का देश है। जो पैदा हुआ उसे मरना है, जो बना उसे बिगड़ना है। ये दुनिया की रीति है, यहाँ कोई कायम ठिकाना नहीं रह सकता बना सकता। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि एक जगह ये बूंद मलिन आत्मा बनी बैठी है कर्म करके जीवात्मा, एक जगह स्रोत और प्रोत वो थोड़ा निर्मल होता है, नदी उससे भी निर्मल होती है और समुद्र तो निर्मल है ही है। तो इस तरह से ये स्टेज है, लेकिन सब प्रेम रूप है, प्रेम ही प्रेम है जी। बिना संत पहुंचे नहीं कोई, सतगुरु संत किया स्थान, प्रेम भक्ति की ऐसी महिमा, ग्रहण करो ये अमृत खान। तो वही आप स्वामी जी महाराज कहते हैं बिना संत कोई पहुंचे नहीं, उस स्थान पे जाने के लिए परमात्मा से मिलने के लिए संतों की कृपा जरूरी है। बगैर संतों की दया के हम वहां नहीं जा सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले संत मत में गुरु भक्ति, गुरु को अंदर प्रकट करना ही गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति का मतलब यह नहीं है कि गुरु का फोटो रख के उसको पूजा करना, अगरबत्ती चलाना, हार चढ़ाना, ये तो सब कर्म कांड है। चाहे गुरु के फोटो की पूजा कर लो चाहे मूर्ति की पूजा कर लो, दोनों बराबर। संत मत में निषेध है फोटो की पूजा, चाहे वो गुरु का ही हो नहीं करना। हमें उसी स्वरूप का ध्यान कराया जाता है जिस स्वरूप को हमने प्रत्यक्ष देखा है, गुरु को चलता फिरता, दर्शन के समय पे, उपदेश नामदान देने के समय पे, सत्संग समय पे, जैसे हम देखते हैं उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अगर वो स्वरूप आपके अंदर आएगा तो आपसे बात करेगा, अगर आप फोटो की पूजा करते हो फोटो आएगा तो बात नहीं करेगा, आपकी रक्षा नहीं करेगा। तो इसीलिए फोटो की पूजा करना जड़ की पूजा, कोई फायदा नहीं। तो गुरु भक्ति है सत्संग रोज रोज सुनना, रोज रोज भजन सुमरण करना,
समय मिले सेवा करना, जहाँ संगत जमा होती है उनकी सेवा, गुरु की सेवा होती है, गुरु खुश होता है। तो इस तरह से भजन सुमरन करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आना, अपना तीसरी आँख खोलना और अंदर गुरु को प्रकट कर लेना। अंदर गुरु प्रकट हो गया, आपका काम बन गया। तो वहाँ तक गुरु भक्ति, आगे नाम भक्ति शुरू होती है। शब्द प्रकट हो जाता है, शब्द सुनते रहो, वही नाम भक्ति है, कर्म करते जाते हैं। सुमरन की जरूरत नहीं है, गुरु प्रकट होने तक ही सुमरन ध्यान, और बाद में धुन और ध्यान दोनों चलता है। तो गुरु प्रकट हो जाता है, वो एक सेकंड के लिए भी छोड़ के जाता नहीं। तो लेकिन गुरु को प्रकट करना चाहिए, वही गुरु भक्ति है जी। ताते पहले करो गुरु भक्ति, पीछे पाओ नाम निशान, आरत कर कर गुरु रिजाओ, पाओ उनसे प्रेम निदान। तो वही करते हैं, आरत कर कर गुरु रिझाओ। अब आरती का मतलब कि हम थाली में घी की बाती लेके या तो कर्पूर जला के कहीं गुरु के फोटो की आरती करना नहीं आरती सच्ची आरती, आ का मतलब बाहरी ख्याल को अंदर लेके आओ, और रत जो वहाँ ताकत स्थिर है उसमें मिलना, जो गुरु आपके 10वें दरवाजे में बैठा है उससे मिलना, वो सच्ची आरती है। एक बार आपकी रूह अंदर चली जाए, गुरु प्रकट हो जाता है, तो वहाँ हजारों ज्योति जलते रहती है और अनहद नाद होते रहता है, वो सच्ची आरती अंदर हो रही है वो सच्ची आरती है। ये बाहर की आरती तो 2 मिनट की होती है, घी की बत्ती खत्म हो गया आरती बुझ जाती है, कर्पूर खत्म हो गया आरती हो जाएगी, तो ये आरती कोई फायदा नहीं। संत बाहरी आरती का कोई महत्व नहीं, अंदर की आरती करना, गुरु से आके मिलना, बाहरी ख्याल को अंदर लेके आओ और उस चीज को अपने अंदर प्रकट कर लो, जिसके यहाँ हजारों ज्योति जलते रहती है, उनके रोम रोम से प्रकाश निकलते रहता है, वहाँ जाके सच्ची आरती करो, वो सच्ची आरती है। आ रत, बाहर से ख्याल को अंदर लाना और उस ताकत से मिलना, ये सच्ची आरती है। बाहरी आरती को घुमाने से कोई फायदा नहीं, क्यों, हम आरती करते हैं हमारा मन कहाँ भटकता है कहते ना, माला तो कर्मे फिरे, जीवा फिरे मुख माई, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमरन नाई कबीर साहब कहते हैं, पंडित लोग भी माला घुमाते, हाथ में माला घुमाते, मुंह में राम राम करते, लेकिन मन उस राम में नहीं रहता है, वो और कहाँ बाजार में भटक गया होता है तो कहते ये सुमरन का तरीका नहीं है। मन जो है नाम के रंग में रंगना चाहिए, इसीलिए ब्रह्मद स्थान में जहाँ आत्मा और मन की बैठक है वहीं सुमरन चलना चाहिए। तो मन को दूसरी तरफ जाने का मौका नहीं मिलेगा, मन निर्मल होएगा, और यहाँ से ख्याल हटाए कि मन भाग जाता है इसीलिए आरती अंदर करना है, और मन को कहते हैं सुमरन से जोड़ के रखना है तो मन निर्मल होता है। नहीं, मन को छोड़ के जबान सुमरन करते हो, मन भटक रहा है तो कोई फायदा नहीं। आप कितने बरस भी सुमरन करो तो जो फल मिलना हो नहीं मिल पाता है तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहें कबीर एक पलक को कलप न पावे कोए। एक सेकंड में जो अनुभव होता है वो कल्पों की दूसरी भक्ति से भी नहीं होता है। ये अगर 5 स्थिर हो जाए तो मन स्थिर हो जाए, सुरत निरत थिर होए, और जबान बंद हो जाए, और
जो है मन सुमरन से जुड़ जाए तो तत्काल हमारे अंदर प्रकाश हो जाता है। जी आरत कर कर गुरु री जाओ पाओ उनसे प्रेम निदान राधा स्वामी कहत सुनाई मिला तुझे अब भक्ति दान। तो ये लास्ट में स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि राधा स्वामी कहें सुनाई मिला तो है अब भक्ति दान। अब तुम्हें संतों ने भक्ति का दान दिया है, अब भक्ति करो, सच्चा भक्ति करो, दिखावटी भक्ति नहीं। अंदर एक भावना रखना, बाहर दिखाना एक, कहते ये कपट भक्ति कहते हैं। और कपट है हमारे अंदर तो कपाट नहीं खुलता। ये कपट से बचो। जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। बाहर भी उस मालिक से प्रेम प्यार होना चाहिए, अंदर में भी उस गुरु को बिठाना चाहिए और सुमरन ध्यान करना चाहिए, तब जाके वो दोनों एक होने से ही काम बनेगा। तो ताकत मंजूर करती है। जी आरत कर कर गुरु री जाओ पाओ उनसे प्रेम निदान राधा स्वामी कहत सुनाई मिला तुझे अब भक्ति दान। राधा राधा करो बिना करो बिना ती दो कर जोरी आर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी सत पुरुष तुम सत गुरु दाता सब जीवन के पितु और माता दयादार आप ना कर लीजे काल जाल से न्यारा कीजे सत युग त्रेता द्वापर बीता काउन जानी शब्द की रीता कल युग में स्वामी दया बिचारी पर गट कर के शब्द पुकारी जीव काज स्वामी जग में आए भव सागर से पार लंगाए तीन छोड़ चौथा पद दीना सत नाम सत गुरु गत चीना जग मग जोत होत उजियारा गग
सोत पर चंद्र नियारा सेत सिंहासन क्षेत्र बिराजे अनहद शब्द गई बदुन गाजे शर अक्षरनी अक्षर पारा बिनती करे जा दास तुम्हारा लोक आलोक पाऊ सुख दामा चरण शरण दी जे बिसरामा करू बिनंती दो कर जोरी स्वामी दो कर जोरी आर्ज सुनो राधा स्वामी सत गुरु मोरी राधा स्वामी।